जोहार हज़ारी बाग मैं फैज़ानवर आप देख रहे हैं जौहार हजारी बाग मेरे साथ अभी है कच्चे धागे कच्चे धागे नाम नहीं है इनका नाम कुछ और है जानेंगे लेकिन मेरे हाथ में जो एम्ब्रॉयडरी है वो इन्होंने बनाया है और अपने रूम को पूरा एम्ब्रॉयडरी से ही सजा दिया है ख़ुद इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं लेकिन ये शौक कहाँ से आया आज जाएंगे इनके अंदर तो चलिए आप दिखाइए मुझे अपना रूम जो एम्ब्रॉयडरी आपने किया है वो पूरा आज देखेंगे इनका रूम कैसे सजाया है एम्ब्रॉयडरी से और कैसे बनाया है देखिए ये जो वॉल है इसमें अलग अलग तरह के एम्ब्रॉयडरी बने हुए हैं और ये आप देख सकते हैं ये एक दिन में तो नहीं बना हुआ होगा इसके बारे में जानेंगे कैसे बनाया कहाँ से बनाया कहाँ से आइडिया लाया और पूरा वॉल को जो है वो एम्ब्रॉयडरी से डेकोरेट किया है तो देवी बताइए कैसे शुरू हुआ आपका शौक ये कच्चे को बहुत शौक था तो हमेशा मॉम के साथ था कि मेरे, मेरे डॉल के लिए फ्रॉक बना दो फ्रॉक बना दो तो डॉल के लिए फ्रॉक बन गया तो हुआ की उस फ्रॉक पे कुछ एम्ब्रॉयडरी हो जाए तो वहां से पहला पहले एम्ब्रॉयडरी शुरू हुआ फिर पापा के सारी हैंकी पे फ्लावर बना के रख दिया था फिर बहुत टाइम के लिए सब कुछ छूट गया फिर 2020 ने जब सब बहुत लोगों से बहुत चीज छीना अच्छा लॉकडाउन में हाँ, हाँ। तो में को ये सब वापस दिया अच्छा। तो को लगा कि एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी कितना पहले छूट गया हम लोगों से तो ट्राई कर सकते हैं तो फिर इधर उधर गूगल पे प्रिंटरेस्ट पे कुछ कुछ आइडियाज देखा तो देखा कि अरे अब तो एम्ब्रॉयडरी बहुत अलग हो गई है हाँ। मम्मी बड़ी मम्मी ताई जी ये लोग तो बस सुई से लेके बेडशीट पे कर रहे थे कुर्तों पे कर रहे थे बट अब तो ये सब आ गया है आपने कहा फिर किया लाइक so, like, पूरा वॉल दिया हुँ। <laughs> तो ये जो मटेरियल यूज किया है हाँ। ये क्या क्या है सिर्फ कपड़े हाँ। हैं कि कुछ और सिर्फ है सिर्फ मतलब। नॉर्मल कपड़े नॉर्मल धागा अच्छा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सब... सिर्फ अपना हाँ। लगाया हाँ। और सब कुछ यू नो ऑल नेचुरल सब कुछ जो आपको ईजिली मिल पाए और जो पैटर्न आपको दिल से पसंद आए जो सीजन चल रहा है मौसम चल रहा है उस हिसाब से जो पसंद आए वो सब कुछ बनाते चले गए तो यही सब है

दो साल से चल रहा है एंड मोर देन हंड्रेड ऑफ ऐसा बन चुका है कुछ यहाँ है एंड फिर एक टाइम के बाद मेरे को हो गया कि मेरे को अपने हर एक क्लोज को ये देना अच्छा। ही है तो मतलब मेरे हर तो आपने गिफ्ट किया हाँ। है सबको बहुत सारा बहुत बर्थडे में ही गिफ्ट करते हैं कि ऐसे ही नॉर्मल डे कोई किधर को जा रहा है हाँ। कोई शिफ्ट हो रहा है तो बस उसको गिफ्ट देना है अच्छा तो मतलब टोकन हाँ So क्या बात है तो देखिए जो एम्ब्रॉयडरी ये बनाती हैं वो जितना ही बनाती हैं और अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर देती हैं एज अ टोकन और वो एक अलग यूनिक प्रैक्टिस है जो शायद यही है हम लोग गिफ्ट देते हैं बाजार में खरीद के कुछ गिफ्ट दे देते हैं और भी अलग चीज देते हैं लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी कल्चर जो है वो ट्रेडिशनल कल्चर को कैसे ये जिंदा रख रही हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो क्या सोचा था कभी कि ऐसा एम्ब्रॉयडरी इतना मतलब पॉपुलर हो जाएगा मेरा ये क्योंकि आपने यूट्यूब चैनल में भी डाला है कच्चे धागे नाम से बनाते रहती हैं और डालते रहती हैं क्या उसका मोटिव क्या होता है उसमें डालने का पहले तो एक दो बनाया एक दो ये पहला था मेरा फर्स्ट तो अच्छा, ये, ये वाला ये वाला ये वाला ये यू नो ये, ये अच्छा मतलब हाँ। पहला है इसलिए थोड़ा सा हाँ। लग रहा है इस टाइप का तो ये पहला था उसके बाद मेको मेरे कजिन्स और मेरे भाई-बहन बोलने लगे कि यार आई में हाँ। वीडियोस बनाओ, पे डालो अब अच्छा। तो यही ट्रेंड चल रहा है तो पहले तो एवे चल रहा था फिर मेरे को ना धीरे धीरे धागो से ना प्यार हो गया अच्छा। मेरे को रियलाइज हुआ कि धागे कितने इम्पोर्टेंट और सुंदर चीज है तो फिर मेरे को बस हो गया कि फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर या फैमिली कितनी बड़ी होगी वो तो टाइम के साथ होगा बट जितने भी लोग देखे ना एक छोटी बच्ची या एक छोटा बच्चा दादी या नानी या दादाजी जो भी देखे ना उनको इससे अटैचमेंट फील हो उनको लगे कि हमें भी ये करना है हम भी कर सकते आस पास के लोगों को कैसे प्रभाव किया मतलब जो फ्रेंड्स को आप देते हैं तो क्या बोलते रहे क्या गिफ्ट दे दिया एम्ब्रॉयडरी बना नहीं पहले जब शुरू हुआ तो मेरे को लगा की अब तो ये पॉपुलर कल्चर है ही नहीं अब तो रील्स और टिकटॉक

बट मेरे को जब यूट्यूब चैनल शुरू करना था तो इतना कुछ भी नहीं सोच रखा था बस इतना था कि कुछ बहुत सिंपल जो लोगों को याद रह जाए अच्छा। तो धागे तो ऑब्वियसली इसका एम्ब्रॉयडरी का तो धागे आ गया और शायद कहीं ये बात रह गया कि अब यू नो टाइम के साथ ये धागा कमजोर हो गया है शायद एम्ब्रॉयडरी का तो कच्चे धागे तो देखिए आज हम लोग बात कर रहे थे हजारीबाग के कच्चे धागे से जो लगभग सौ से ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी बना चुकी हैं और एम्ब्रॉयडरी बना के एम्ब्रॉयडरी में अलग अलग डिज़ाइन बना के अपने दोस्तों को गिफ्ट करती हैं परिवार वाले कहीं जाते हैं अगर बाहर तो वो गिफ्ट करते हैं और वो एम्ब्रॉयडरी कल्चर को जो है पुराना कल्चर है वो उसको जिंदा रखा हुआ है क्योंकि आजकल जो डिज़ाइन है वो मशीन से बनते हैं लेकिन इन्होंने हाथ से वो डिज़ाइन बनाया लॉकडाउन में इसको और ज़्यादा इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी जो है अपने आप का इस्तेमाल करके और अब तो यूट्यूब चैनल पर भी इन्होंने डालना शुरू किया है अपने आर्ट कैसे वो बनाती हैं क्या बनाती हैं आपको सब मिल जाएगा इनके चैनल पे कच्चे धागे पे अगर जाएंगे तो सही बोल रहे जी जो मेरे हाथ में एम्ब्रॉयडरी है ये है हमारा जो में इनोवेशन जरूर ही है सो अच्छा। so हम इसको ऐसे पुल करेंगे तो लगेगा कि चीज पुल जो हमारे पिज्जा में होता है निकलता है और ये वापस से पुल इन हो जाए पीछे ऐसा ये किया हुआ है सिस्टम ये खींचने के लिए ये क्या पुल बात करने ऐसा आपने चलिए इसमें भी इनोवेशन चल रहा है हजारीबाग का सबसे पुराना सोहराई आर्ट जो बहुत पॉपुलर है पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया है और जी टैग भी से मिला है इसको टेवी ने एम्ब्रॉयडरी में निकाला है तो ये सोराई का जो कंसेप्ट है वो आप जानते हैं इसके बारे में हजारीबाग का ही आर्ट है ये ये मुझे लगा जो पेंट से हो सकता है तो धागों से क्यों नहीं हो सकता बिल्कुल है? तो बस इसको कर दिया तो इसमें वही तीन कलर लगाया है हाँ, आपने हाँ, सोराई में हाँ, लगता है हाँ, हाँ. तो बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपसे हाँ, मिलके जी बहुत अच्छा लगा और ठीक है इसी तरह से बनाते <laughs> रहिए कभी हम लोग का जोहार हजारी बाग के नाम से अगर कुछ बनाइएगा तो गिफ्ट कर दीजिएगा आपका हम लोग वॉल में डाल देंगे जोहार हजारी बाग के लिए बनाया गया हमारा लोगो आपको दिख ही रहा है पीछे वही है ज्वारदारी बना देंगे हम घुस कर दीजिएगा और राउंड सर्क शेप में भी है हम लोग का लोगो ठीक <laughs> है थैंक यू बहुत थैंक यू थैंक यू